से आप जुड़े हैं उसका नाम है पर्ल वाइन इंटरनेशनल, www.pearlwine.com इसकी वेबसाइट है, आप इसको विजिट कीजिए। बहुत सारी ढेरों जानकारियां आपको यहां पर अवेलेबल मिलेंगी जो कि आपको इस सिस्टम को समझने में मदद करेंगी। मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि जितने लोग भी इंतज़ार कर रहे थे लास्ट ईयर कि अभी तो 10 ही लाख लोग हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हम बाद में ज्वाइन करेंगे, एक साल देखते देखते गुजर गया और हमारे सिस्टम ने 20 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ भी लिया और आज सिस्टम 30 लाख को क्रॉस कर गया है, 3 मिलियन यूज़र सिस्टम में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज पर्ल वाइन 30 लाख नेटवर्कर्स का परिवार है, आपको ये जान के खुशी होनी चाहिए कि आप जिसका हिस्सा हैं वो एक मजबूत संगठन है। आप यूँ समझिए कि इसकी कुछ फीचर्स भी हैं जो इसे बेहतर बनाती हैं, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि इसको प्रमोट कैसे करना है, ये यहाँ पे बताया हुआ है कि आप इसे एफिलिएट मार्केटिंग की तरह बताइए लोगों को कि बिना सामान की दुकान हम लोग चलाते हैं, रेफर करके अर्न कीजिए, आप इस मॉडल को प्रमोट कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई बोझा नहीं लायबिलिटी का, कोई पेयर मैचिंग नहीं, पॉइंट्स वैल्यू बिजनेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं, प्रोडक्ट सेलिंग की ज़रूरत नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई टोकन नहीं, कोई कॉइन नहीं, कोई टाइम का बंदिश नहीं, डेली वीकली मंथली क्वार्टरली जैसा कोई हिसाब किताब नहीं, आप कभी भी पैसा इसमें से निकाल सकते हैं, कभी भी इसमें पैसा ऐड ऑन कर सकते हैं, पे आउट तुरंत मिलता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, ग्लोबल वर्किंग है ये, पूरी दुनिया के यूज़र इसमें 24 घंटे काम करते रहते हैं क्योंकि जब यहाँ दिन होता है तो कहीं और रात होती है, कहीं और रात होती है तो यहाँ दिन होता है, तो ये सिस्टम चलता रहता है, चलता फिरता रोबोट है जो हमें पैसे बना करके देता है। टोटल वर्क मोबाइल फ़ोन से ही होता है, आपको कोई फिजिकल ऑफिस को विजिट करने की ज़रूरत नहीं और ना ही इसका फिजिकल ऑफिस अवेलेबल है। अगर कोई हुज्जत करे आपसे तो आप उसे बोलिए कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका सब डाटा डिजिटल है, आपको कोई भी फिजिकल ऑफिस या फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा। मेरे और आपके जैसे ही कुछ लोग हैं जो सिस्टम में थोड़ा बहुत सीख के लोगों को सिखा रहे हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं, तो आप ऐसा प्रमोट कीजिए। आप अपने सीनियर अप्लाइंस से भी बेहतर पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं, ये आप सभी के लिए एक मौका है। पूरा सिस्टम शुरू हुआ USA से 2015 में और भारत में आया 2017 में और अभी इसकी उपस्थिति 150 से ज़्यादा देशों में है क्योंकि इसके ग्राहक हैं इतनी जगहों पर, इसके यूज़र इतनी जगह पर बने हुए हैं। जैसे फेसबुक के हो सकता है कि पूरी दुनिया में यूज़र हों लेकिन इसके भी 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में यूज़र हैं, मतलब इसे किसी देश की सरकार चाहती तो वो इसे बंद कर देती थी, अगर इसमें कोई खामी होती, कोई नुक्स होता तो बंद कर सकती थी सरकार, लेकिन इतने देशों की सरकारों के बीच में अगर ये चल रहा है तो क्या सारी सरकारें आँख पे पट्टी बांध के बैठी हैं, उनको पता ही नहीं है कि पर्ल वाइन क्या है, जबकि ये बैंक में पैसे दे रहा है, ये मोबाइल पे आपके ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी अभी एक आपको पता चला होगा कि जो मुंबई माया नगरी है वहाँ पे कुछ फिल्म इंडस्ट्री में हुआ, कुछ अलग अलग टाइप की पिक्चरें बनाई गई, सारा डाटा उनका रिकवर कर लिया गया क्योंकि डाटा ऑनलाइन था। आप कोशिश कीजिए ये समझने में, ये बुद्धि लगाइए आप कि आपका डाटा ऑनलाइन है, आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो सब ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज हैं, अगर कोई गड़बड़ या खामी होती तो अब तक ये कब का शटडाउन हो जाता, एरिया में कोई दो दुकान नहीं खोल पाता, शहर में कोई दो दुकान नहीं खोल पाता, देश की बात ही छोड़ दो, इसने पूरी दुनिया में 150 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, तो आपको इसका लोहा तो मानना पड़ेगा कि भाई कुछ तो दमखम होगा, इसलिए 150 देशों के लोगों ने इसको स्वीकार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ। सिक्योरिटी सिस्टम इसका अप टू डेट है, हाईली सिक्योर सॉफ्टवेयर है, खुद का सर्वर, खुद का डोमेन है इसके पास, डिसेंट्रलाइज वेबसाइट है, डैप यानी कि अगर आप भविष्य में क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करना चाहते हैं तो डिसेंट्रलाइज ऐप डैप बोलते हैं जिसे, ये हर क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे चलती है, तो अगर ये चलता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर तो आने वाले टाइम में ये अपनी क्रिप्टो ज़रूर लॉन्च करेगा, चाहे वो वजीर एक्स पे करे, चाहे वो SX.com पे करे, चाहे वो CoinDesk पे करे, चाहे वो Binance पे करे, चाहे वो BitMart पे करे, कहीं ना कहीं अपनी करेंसी ज़रूर लॉन्च करेगा और जब लॉन्च करे तो आप इसके क्रिप्टो का भी फ़ायदा उठा पाएंगे क्योंकि भारत सरकार भी अपनी करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है, तो ये ज़रूर करेगा क्योंकि 30 लाख ग्राहक इसकी करेंसी को लगे हाथ लेंगे। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का मतलब एक दूसरे से लेन देन हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्लाउड स्पेस स्टोरेज होने की वजह से ये हैंग नहीं होता जल्दी, इतने 30 लाख विजिटर इस पर लगातार विजिट करते रहते हैं, ये चलता रहता है स्मूथली। टेक्निकल टीम का सपोर्ट शायद अब ये लॉकडाउन में, अभी हमारा सिस्टम 2 दिनों के लिए लॉकडाउन हुआ है, शायद इसके बाद वो हमारे लिए टेक्निकल टीम सपोर्ट का कोई सुविधा पैदा कर दे जिससे कि हम अपने मोबाइल नंबर बदल पाएँ, ईमेल की सुविधा वो दे दे शायद, जिसकी वजह से हम सिस्टम में मेल कर पाएँ, मतलब जो भी नाम में करेक्शन है, किसी के अकाउंट में करेक्शन है, किसी के मोबाइल में करेक्शन है, ये सभी करेक्शन के लिए एक टेक्निकल टीम सपोर्ट जो है वो हमें मिलना चाहिए, ये मैं भी अपेक्षा करता हूँ, शायद इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। सर्वर का प्रोटेक्शन है, क्लाउड सिक्योरिटी है और DNS, DDoS प्रोटेक्शन, SSL सर्टिफिकेट, ये सभी इसके लीगल मानक हैं जो इसे पुख्ता बनाते हैं, और वेब मेल सर्विसेज PV मेल है, लेकिन कितना एक्टिवली काम कर रहा है अभी इसका मैंने जायज़ा नहीं लिया है, आने वाले टाइम में लेकिन ये भी बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगा। कुछ चीज़ें और हैं इसकी जो इसे यूनिक बनाती हैं, मेन चीज़ इसका रोबोटिक होना, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए कि रोबोटिक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है,
आप हॉस्पिटल में जाइए, आज आपको आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना है, तो आपको एक सर्जन जो है उससे ज़्यादा बढ़िया ऑपरेशन एक रोबोट कर लेता है, क्योंकि रोबोट को कमांड दिया हुआ है, प्रोग्राम दिया हुआ है, वो हार्ट की सर्जरी भी कर लेता है, वो आँख का सर्जरी भी कर लेता है, वो ऑपरेशन करते टाइम उसके हाथ नहीं कांपेंगे, वो सेंटीमेंट्स में नहीं आएगा। तो रोबोटिक्स हर जगह जगह ले रही है। आप इंडस्ट्री में देखिए, जहाँ पर बड़ी बड़ी कारें बनती हैं, ये कोई हथौड़ी और छेनी लेकर या पतरा लेकर के उसको ठोकने का काम नहीं है, वहाँ पर सब चीज़ें रोबोटिक्स से होती हैं। कारों को पेंट करना हो, चाहे उनके स्पेयर पार्ट्स अटैच करने हो, चाहे उनको असेंबल करके फाइनल मॉडल तक लेकर के जाना हो, चाहे वो टेस्टिंग का काम हो। और अगर आपको अंदाज़ा हो तो आजकल आप कॉल सेंटर में जब फ़ोन करते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड के लिए, तो सामने से भी रोबोट का ही आवाज़ होता है। वो कोई वहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तो बाद में आता है, उससे पहले रोबोटिक कमांड के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो रोबोटिक सॉफ्टवेयर हमारा भी है, आने वाले टाइम का एक बेहतर विकल्प है ये। लोग धीरे धीरे करके बर्तन भी धोने के लिए रोबोट को ही रखेंगे, क्योंकि रोबोट काम चोरी नहीं करेगा, आदमी काम चोरी कर लेता है। वेब और मोबाइल एप्लीकेशन है, और वेबसाइट आप इसकी देख ही रहे हैं, हो सकता है कि चुस्त दुरुस्त होकर के आए, और मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज वगैरह करना ये छोटी मोटी बेसिक ज़रूरतें हैं जिसको हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। डिजिटल वॉलेट है, क्योंकि पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे से हम इसका कंपैरिजन करते हैं, उनसे थोड़ा सा उम्दा है ये, क्योंकि इसको थर्ड पार्टी को सर्विस नहीं देनी पड़ती। ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जितने भी एप्लीकेशन हैं, ये बैंकों को सपोर्ट करते हैं और बैंकों से पैसा लेते हैं इस बदले में, लेकिन पर्ल वाइन डायरेक्ट पीयर टू पीयर डील करता है, एक दूसरे से डील करता है, इसलिए थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती। हम आपस में भी इसके थ्रू डीलिंग कर सकते हैं। इसका अपना न्यूज़ चैनल और इसका अपना लाइन एप्लीकेशन है। लाइन एप्लीकेशन का मतलब, आप प्ले स्टोर पे जाइए, लाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ डिटेल मिल जाएगी। पर्ल वाइन को उसमें ऐड कीजिए, पर्ल वाइन को ऐड करना पड़ेगा। अपकमिंग इसके प्रोजेक्ट्स आप देखिए, शॉपिंग पोर्टल, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लीकेशन, पेमेंट गेटवे, ये सभी चीज़ों से अप टू डेट होगा, क्योंकि 150 देशों में रुपया नहीं चलता है, हर देश की मुद्रा अलग अलग है। और अगर पर्ल वाइन को सर्वाइव करना है तो पर्ल वाइन को पेमेंट गेटवे भी लाना पड़ेगा, और किसी ऐसे गेटवे के साथ इसको टाई अप करना पड़ेगा जो हर तरह से हर देश में सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो कई सारे पेमेंट गेटवे हैं जिनके साथ ये समझौता कर सकता है। भीड़ का होना इसके लिए अपने आप में प्लस पॉइंट है, क्योंकि भीड़ की वजह से ही कोई भी चीज़ों का संचालन होता है। 30 लाख लोगों की भीड़ के लिए ये सब सुविधाएं देगा। आप मानिए कि अगर ये बिना दिए इतना कमा रहा है, और थोड़ा सा अगर इसने और दे दिया, तो सिस्टम पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, लोग इसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। तो सिस्टम में बड़ी पावर है। 30 लाख लोग होना अपने आप में पावरफुल चीज़ है। एक रुपया भी अगर 30 लाख लोगों से सिस्टम कमाना शुरू करे, तो 30 लाख रुपये प्रतिदिन उसके पास आ सकता है। तो इसको ये सिस्टम शट डाउन करके कोई फ़ायदा नहीं है, सिस्टम चलता रहेगा उसका ज़्यादा फ़ायदा है, और ये फ़ायदा पब्लिक ही देगी। आप देख लीजिए कि कई सारे जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कई सारे यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, लाइन एप्लीकेशन और यूट्यूब, इन सभी के हम लोग यूज़र हैं। और साथ ही ई कॉमर्स पे भी आज बिग बिलियन सेल चल रहा है अमेज़ॉन का। आप में से कई लोगों ने अमेज़ॉन पे शॉपिंग किया होगा, कई लोगों ने ओला पकड़ के ट्रैवल भी किया होगा, कई लोगों ने जोमेटो से ऑर्डर भी किया होगा, किसी ने अपना बिल भी आज पेटीएम से भरा होगा। हाँ, टूर पे नहीं गए होंगे आप, शायद ओयो होटल में कोई नहीं रुका होगा, और बिग बास्केट आपके एरिया में अगर सर्विस देता होगा तो इसने भी आज काम किया होगा। तो ये सभी सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं, ये सोशल मीडिया की हों चाहे ई कॉमर्स की हों, पर्ल वाइन दोनों चीज़ें करने वाला है। उसने ई कॉमर्स के लिए आपको हिंट दे दिया है, 2 दिन पहले उसके फेसबुक पेज पे था कि आने वाले समय में आपको ई कॉमर्स पोर्टल मिलेगा। आप भी अपनी एडवाइस दीजिए, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आप भी बताइए। पर्ल वाइन के फेसबुक पेज पर जाना है आप सभी को, और वहाँ पर अपनी अपेक्षा लिखिए कि आपको क्या चाहिए। पर्ल वाइन ने पहली बार तो 30 लाख लोगों से सलाह मांगी है कोई, तो आप अपनी सलाह ज़रूर जाकर के दीजिए। जैसे यहाँ पर आप लोग सलाह देते हैं, वैसे ही आप पर्ल वाइन के फेसबुक पेज पर जाकर के पर्ल वाइन को सलाह दीजिए कि आप ये चीज़ें ज़रूर लेकर के आइए। और सोशल मीडिया, आने वाले टाइम में अगर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको डिस्कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं आज की तारीख में, ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दबा के पैसे कमा रहे हैं, किसी के ग्राहक नहीं घटे। फेसबुक के बड़े हैं, यूट्यूब के बड़े हैं, जूम के बड़े हैं, गूगल मीट के बड़े हैं, बायजूस के बड़े हैं, आप देखिए वाइट हेड जूनियर के बड़े हैं, वेदांतु के बड़े हैं, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स, लर्निंग ऐप्स, ई कॉमर्स पोर्टल और सर्विस प्रोवाइडर ऐप्स हैं, सभी के ग्राहक बढ़े हैं। पर्ल वाइन के भी 20-21 लाख ग्राहक बढ़े हैं। तो आप यूँ मानिए कि जो फिज़िकल बिजनेस लोग करते थे, जितने लोगों को भी पता था कि सामान बेचने से पैसा देते हैं तो सामान मिलता है, सामान बेचते हैं तो पैसा मिलता है, जितने भी प्रोडक्ट सेलिंग और MLM वाले हैं, उनको ये डिजिटल प्रोडक्ट समझ ही नहीं आ रहा। उनको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब खाली सामान देना और पैसे लेना। कई लोग पूछेंगे आपसे कि भाई आप लोग सामान तो देते नहीं, तो हम कैसे माने ये धंधा चलता है? तो सामान तो फेसबुक ने भी कोई नहीं दिया, सामान तो यूट्यूब ने भी आपको कोई नहीं दिया, अमेज़ॉन ने भी कोई सामान नहीं दिया, ओला ने भी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है इनके पास में, इनका अपना कोई सामान ही नहीं है। आप मुझे बताइए जोमेटो के पास अपना क्या सामान है? जोमेटो तो इधर से माल उठाता है होटल से, उधर जाकर के आपके घर पे दे देता है। जोमेटो का अपना कोई मतलब ऐसा सेटअप भी नहीं है।
तो ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पर्लवाइन इसी तर्ज पे काम करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने नेटफ्लिक्स लिया होगा, बैठ करके वेब सीरीज देख रहे होंगे आप। तो नेटफ्लिक्स ने कौन सा प्रोडक्ट आपको दे दिया? नेटफ्लिक्स का अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, नेटफ्लिक्स का अपना कोई सिनेमा हॉल भी नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स दूसरे OTT प्लेटफॉर्म से टाई अप करके आपको बड़ी सारी चीज़ें दिखाता है। आप यूँ भी समझिए कि पेटीएम, फ़ोनपे और योनो ऐप, आप जानते होंगे कि पर्लवाइन जो है एक जो को ऑनर का सिस्टम है इसमें, आज आपको ये को ऑनर बना रहा है क्योंकि इसके पास भीड़ कम है। आज 30 लाख लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ होने के बाद लोगों को ऑनर बनाएगा। उसके बाद कहेगा भाई गरज है तो आओ, नहीं तो जक मराओ जा करके, कोई पैसा नहीं मिलेगा। और लोग लाइन लगा करके इसके प्लेटफॉर्म पे आकर के आने वाले टाइम में काम करेंगे। आज अमेजोन कोई भागीदारी नहीं देता, बल्कि प्राइम मेंबरशिप के लिए आपसे पैसा लेता है हर महीने, तब भी लोग उसके ग्राहक है क्योंकि उनको पता है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें सर्विस मिलेगी। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेंगे उससे तो वो कहता है कि मैं आपको 30%, 5%, 10% का मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए। लोग आज लाइन लगा करके उससे शॉपिंग करते हैं, जबकि बदले में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि एक दिन जो पर्लवाइन आज को ऑनर बना रहा है आपको, एक दिन जब इसका भी पेट भर जाए उसके बाद ये पब्लिक के लिए खुला मंच हो जाएगा और जितने लोग इसके आज की तारीख में को ऑनर्स बने हैं इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए किसी भी सिस्टम के स्टार्टअप में जुड़ने का फ़ायदा होता है। आज भी पर्लवाइन में 30 लाख लोग हैं, तो आप समझिए कि 1% जनता भी इस सिस्टम में नहीं आई है अभी तक। 140 करोड़ लोग हैं और बहुत सारे लोग इसमें आएंगे अभी, जिनको ये को ऑनर बनाएगा। भविष्य में बेनिफिट होगा उन लोगों का जो आज की तारीख में जुड़ जाएंगे, कल को 1 करोड़ लोगों के बाद भी लोग तो इससे जुड़ेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। पेटीएम ने भी ऐसे ही किया, उसने 100-100 रुपये लोगों को रेफरल इनकम दी थी कि आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको पैसा दूंगा, 100 रुपये मेरे को रिकमेंड करने का आप ले लीजिए। ऐसा किया उन्होंने, लेकिन 100 रुपये कब तक दिया? जब तक उसके ग्राहक नहीं बढ़े। जैसे उसके ग्राहक बढ़े उसने बंद कर दिया, कहता अब नहीं दूंगा, अब तुम्हारी गरज है तो तुम मेरी सर्विसेज यूज़ करो वरना मत यूज़ करो। इसी तरह से SBI योनो, वो तो खड़ा भी नहीं करते, बैंक में जाकर के देखिए, सरकारी बैंकों में लाइन लगा करके देखिए, आदमी को एंटरटेन ही नहीं करते, उनको लगता है वही बैंक चलाते हैं। बैंक जनता चलाती है, जनता के पैसे से बैंक चलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आज की तारीख में इनका ट्रेंड है बाकी के ऐप्स का, ये ग्राहक को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते, उसी तरह से हो सकता है एक दिन पर्लवाइन भी आपके साथ बिहेव करे। उससे पहले आप इसके भागीदार बन जाइए, भागीदार बनने में आपका ही ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद फाइनली बात आती है कि खाता ओपन भी करना पड़ेगा। तो खाता आप ज़रूर ओपन कीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और रेफरल अकाउंट, जो इस सिस्टम में सीनियर पहले से है, ये सिर्फ उसका रेफरल नंबर लगेगा, बाकी तीनों चीज़ें आपकी हैं। आप ये दीजिए और साथ में 30 DP यानी कि 2250 रुपये आप खर्चा कीजिए। और एक बार अगर आप ये सिस्टम में दे देते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमने दे दिए हमारा पैसा मिलेगा कैसे, कंपनी हमें कैसे लौटाएगी? तो आपने कंपनी के तो पैसे दिए नहीं, आपने जब पैसे डाले तो अपने खाते में डाले, कोई कंपनी का अपना खाता तो है नहीं। आपकी वजह से 8 लोगों के घर में पैसे गए, 8 लोगों का फ़ायदा है। अब जिसको फ़ायदा मिल रहा होगा वो क्यों छोड़ेगा ये काम? तो इसका मतलब अगर फ़ायदा मिलने वाला काम नहीं छोड़ेगा तो सिस्टम बंद भी नहीं होगा कभी। जितने लोगों को डर लगता है कि 2250 रुपये उनके डालते ही कंपनी बंद हो गई, ऐसा बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक के 2250 देने से 8 लोगों का गुजारा चला और वो 8 लोग गिद्ध की तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली बार भी कोई आए। तो कोई क्यों छोड़ेगा अपना फ़ायदा? आप जब किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो वो फ़ायदा लेने के लिए हमेशा लाइन में रहेगा, कतार में रहेगा, और उसके बाद जब आपके नीचे लोग आएंगे आप भी कतार में आएंगे, आपको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा लीजिए, फ़ायदा कोई नहीं छोड़ना चाहता। देखिए, कई सारे बेनिफिट हैं, रेफरल इनकम आप कमाइए, टीम परफॉर्मेंस कमाइए, ग्लोबल ऑटो पूल भी आएगा पूरी दुनिया के काम करने से, अपग्रेड इनकम भी आएगी, फॉर्च्यून वॉलेट भी मिलेगा, रॉयल्टी इनकम भी मिलेगी आने वाले टाइम में, और शॉपिंग पोर्टल की इनकम भी अब तो अपकमिंग है, बिल्कुल बहुत कम टाइम में आपको मिलने के चांसेस हैं इसके। रेफरल इनकम आप समझ लीजिए, रेफरल इनकम का मतलब है कि जब आप कोई भी चीज़ रेफ़र करते हैं किसी को, यानी कि आपको कोई खाना पसंद आया तो आपने ज़रूर बताया होगा पड़ोसी को कि भाई इस होटल में जाइए, यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ का चिकन बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ के समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ के रसगुल्ले बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ का सलून बाल अच्छा काटता है, वहाँ का कपड़ा बहुत बढ़िया मिलता है, यहाँ का टेलर बहुत अच्छा स्टिच करता है, वहाँ की पार्लर वाली बहुत अच्छी है। ये आपने सब ने किया होगा, लेकिन कितना पैसा कमाया? किसी ने आपको चवन्नी नहीं दी, लेकिन पर्लवाइन कहता है कि आप मुझे बताइए लोगों को और बदले में मेरे से पैसे लेकर के जाइए। यानी कि आप जब किसी को रेफ़र करेंगे, ये सिस्टम बताएंगे, वो आदमी 2250 रुपये खर्चा करेगा, तुरंत उसके 2250 रुपये में से 50% यानी कि 1125 रुपये आपके खाते में चले आएंगे। और ये इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर आपने मात्र 10 लोगों को भी सिस्टम में ये बताया, आपने इंट्रोड्यूस किया, तो ये 10 लोगों से 15 DP के औसत से यानी कि 1125 के औसत से 11250 रुपये आप मात्र 10 लोगों से कमा सकते हैं। तो जितने लोगों को भी लगता है कि फंसने फंसाने वाला काम है, ये नहीं करना है, वो लोग ये समझें कि उनके पास आज की तारीख में अगर सड़ी हुई भाजी वो बेचते हैं, अगर फटे हुए जूते वो बेच देते हैं, सेल लगा करके गले सड़े कपड़े और आउट ऑफ स्टॉक माल बेच देते हैं, वहाँ पे इज्जतदार हैं वो।
लेकिन यहाँ पे अगर किसी को एक डिजिटल वॉलेट 2250 रुपए में बेच देते हैं तो उनको लगता है कि उनके नियम के खिलाफ काम हो गया। तो भाई नियम के खिलाफ नहीं है, एक आदमी को आप बोल बच्चन बना रहे हो, एक आदमी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हो, एक आदमी को बिजनेस दे रहे हो आप 2250 रुपए में, तो आप ये बिजनेस ज़रूर दीजिए, क्योंकि बदले में आप भी 11,250 रुपए कमाएंगे। और अगर 100 लोगों के साथ आपने ये कार्यक्रम का सिलसिला जारी रखा तो लगभग 1,12,500 रुपए आप सिस्टम से कमा सकते हैं, लोग आपको ये मौका ज़रूर देंगे। आप इसको आगे भी समझिए, टीम परफॉर्मेंस इनकम इसमें दूसरी इनकम है, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा लोगों का कुनबा इकट्ठा किया, अगर आप परिवार में रहते हैं जंगल में नहीं रहते हैं तो यकीनन आप सोशल एनिमल हैं, आप आस पड़ोस में लोगों को जानते होंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, ऐसे लोगों को अगर आप कुछ लोगों को जोड़ते हो और वो बेचारे मेहनत करते हैं, अगर 10 लोगों को आपने जोड़ा तो 2 लोग यकीनन काम करेंगे, 8 तो फिर भी कुंभकर्ण की नींद सोएंगे, 2 लोग अगर काम करते हैं और धीरे धीरे नेटवर्क आपका बढ़ता है। हालांकि यहाँ पे ये 4 के मैट्रिक्स से बताया हुआ है कि ये इस तरह से अगर आपके लोग आते हैं तो 225 करके अगर ये सभी लोग देंगे तो लगभग 82 लाख रुपए आपके पास आते हैं, 225 भी आपके पास 82 लाख आ सकते हैं। और अगर मैं इसको 10 के मैट्रिक्स में आपको समझाऊंगा, शायद ये 10 का एग्जांपल यस दिया हुआ है, 10 का एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पर 10 के एग्जांपल से आपके पास ढेरों पैसे आ सकते हैं, यानी कि 8 लेवल में अगर 10 का गणित चला तो लगभग 1,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बन सकती है, 10% भी आए तो 100 करोड़, और 1% की बात करें तो 10 करोड़ रुपये भी काम करके भी बनाए जा सकते हैं। और अगर 10% का भी 0.01 पकड़ लें हम तो कम से कम 1 करोड़ रुपये तो तब भी आएगा, और उसका 0.001 पकड़ लीजिए आप तब भी 1,000,000 रुपये आप कमा करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2250 रुपये में 1,000,000 रुपये कमाना आपके लिए अपने आप में एक रिस्पेक्टिव काम है, ये ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा टीम परफॉर्मेंस को ये देख लीजिए कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि 2-3 चीज़ें यहाँ पर हैं। मैंने रेफरल इनकम बताई जहाँ पर 15 DP चला जाता है, 10 DP चला जाता है टीम परफॉर्मेंस में, ये आपने देखा। अब बात आती है 5 DP की, कि ये 5 DP कैसे जाता है और कहाँ जाता है और कौन इसे यूज़ करता है, किसका फ़ायदा होता है, तो आप इसको यूँ समझिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए कि ये आपको पर्ल के ऑटो पूल में लौट करके आएगा, जो ये आपका 5 DP था आप दे रहे हैं तो ये किसी को ऑटो पूल के स्वरूप में मिल रहा है, जिसे 32 लाख मिलने हैं। और जब ये आपको लौट करके आएंगे तो कैसे लौट करके आएंगे, जो आपके पूरी दुनिया से जुड़ने वाले यूज़र्स हैं। कई लोग पूछते हैं कि भाई हम जोड़ेंगे तो हमारे को पैसा मिलेगा ये 32 लाख, तो आपके जोड़ने से 32 लाख नहीं आएगा, ये पब्लिक के काम करने से 32 लाख रुपये आएगा। तो पूरी दुनिया के ग्लोबल यूज़र जब काम करेंगे उनसे आपके 32 लाख रुपये आएंगे, और वो आपको छोटी छोटी शेयरिंग देंगे, 54-58 की शेयरिंग है, आप इसे समझ लीजिए। पहले 4 लोग सिर्फ 7.5 रुपये आपको देते हैं पर पर्सन, यानी कि 30 रुपये आपके पास आते हैं। उसके बाद 16, 64, 256, ये सभी लोग 75-75 रुपये आपको देते हैं। आप देखिए 1200, 4800, 19200, ये इस तरह से भीड़ से मिलते हैं आपको। और उसके आगे आप पहुंचेंगे तो 1024, 4096, 16384 और 65536, ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपको 37.5 रुपये देंगे। मतलब अगर वहाँ के अमेरिका के डॉलर की बात करें तो 1.50 और 10 रुपये, इतना ही वहाँ से मिलता है। और 1.50 और 10 रुपये देना, मुझे लगता है कि वहाँ का भिखारी भी होगा तो उसका भी टारगेट होगा कि दिन के $100 और $500 उसे कैसे कमाने हैं। यहाँ भारत के भिखारी की आप बात कर लीजिए, उसका भी टारगेट होता है दिन के 500 से 1,000 रुपये कमाने, शाम को कलर टीवी देखना, मुर्गा बना करके खाना है और झोपड़पट्टे में रहना है। तो एक भिखारी का भी गोल होता है दिन के 100, 200, 500, 1,000 रुपये बनने चाहिए। ये पब्लिक जनता जनार्दन आपको 54 और 58 दे रही है मात्र 37.5 रुपये से। 4 लेवल से आप देखिए 38,400, 153,600, 6,14,400 और 24,57,600 रुपये, यानी कि 32 लाख रुपए का इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट आपको सिर्फ 4 आने और 8 आने करके आपके खाते में चला आता है। तो भीड़ आएगी वो देगी। अच्छा, कुछ लोगों ने लाजवाब सवाल पूछे हैं कि अच्छा आप बताइए, अगर 140 करोड़ लोग सभी के सभी लोग इसमें जुड़ गए या 7.5 अरब लोग सबके सब जुड़ गए तो फिर ये सिस्टम बंद हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं चलता कि इतने बुद्धिजीवी लोग ये आते कहाँ से हैं। इनसे पूछा जाए कि भैया आज तक कौन से सिस्टम में 7.5 अरब लोग जुड़ चुके हैं, एक भी ऐसा सिस्टम नहीं जिसमें इतने लोग जुड़ जाएं। सबका अपना इंटरेस्ट अलग अलग होता है। और अगर जुड़ भी गए, चलिए मान लेते हैं कि एक बार जुड़ गए, तो ये सेल्फ अपग्रेडेड प्लान है, पूरा मार्केट फिर से खाली हो जाएगा, फिर से 7.5 अरब लोगों की आबादी जो है वो जीरो पे आ गई और वापस से सब लोग अपना अपना 4-4 खाता खोलेंगे और वापस से ये सिस्टम चल पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट रहेगा और सिस्टम ये चलेगा। तो आप इसमें बिंदास तरीके से काम कीजिए। इसी तरह से जो पर्ल के 32 लाख आए, 4 लोगों को जोड़ करके आपको निकाल सकते हैं। कोरल बनिए, कोरल बनने पर 1,31,00,000 रुपये मिलेंगे, सब 8 इंस्टॉलमेंट में आने वाले हैं। ऑनिक्स में 3,93,00,000 रुपये। और इसी तरह से जब आप क्वार्ट्स बनते हैं तो क्वार्ट्स में 39 करोड़। अगर आप बात करेंगे एमेथिस्ट की तो एमेथिस्ट में आप देखें कि 196 करोड़ रुपये का ऑटो पूल है।
और टोपाज में 393 करोड़ रुपए का ऑटो पूल है, और रूबी की बात करें तो हम 786 करोड़ रुपए का ऑटो पूल है। ये सभी के सभी ऑटो पूल हम सबको मिलने हैं, क्योंकि इस सिस्टम में आने के बाद आप सब रूबी तक जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, आपका बेटा जाएगा, बेटा नालायक होगा तो पोता जाएगा, पोता भी नालायक होगा तो उसका बच्चा जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, जब तक ये सारे पूल भरेंगे नहीं तब तक ये ख़त्म भी नहीं होंगे। अगर ये सिस्टम चलता रहे तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों का भला करके जाएगा। आप दुआ कीजिए कि ये सिस्टम चलता रहे। बस आप देखिए कि रैंक की जो डिटेल मैंने बताई है आपको, पर्ल, कोरल, ऑनिक्स, क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी, यही सब इसके रैंक हैं। 7 रैंक में 1419 करोड़ रुपए का बिजनेस छुपा हुआ है। इतना बड़ा बिजनेस मॉडल आपको मिल रहा है मात्र 20 लोगों में। तो जिनके पास पैसे हैं, अब मैं आपको बताऊं, ये गरीबों का सिस्टम नहीं रह गया, इसमें गरीब लोग अभी काम ही नहीं करते, इतने मस्ती खो रहे हैं। लेकिन अब अमीरों को ये समझ में आ रहा है कि 30 लाख लोग हैं जो उनको पैसे देंगे, इसलिए जितने भी फॉरेन के यूजर्स आ रहे हैं वो डायरेक्ट अब रूबी मारने की तैयारी में हैं। वो $36,170 इसमें डालेंगे, 27 लाख रुपए खर्चा करेंगे। आज तो बिटकॉइन भी मेरे ख्याल से 27 लाख के आसपास पहुंच गया, यानी कि एक बिटकॉइन डालेंगे और एक रूबी वहां से निकलेगा, और उसको पैसा कौन देगा? यही गरीब जनता जनार्दन, जिनके लिए ये बिजनेस बना है 30 लाख लोगों का। तो ये 30 लाख लोग अपने निकम्मेपन की वजह से आज फॉरेन को ये पैसा कमा करके देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आने वाले टाइम में आप थोड़ा बहुत काम करके अपने लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। ये 1400 करोड़ रुपए पे अपना भी हक है, पहले हम भी पहुंचेंगे इस पे। सभी लोग मेहनत कीजिए, आगे की बात समझ लीजिए, फास्ट ट्रैक इनकम, क्योंकि आपने जो ग्रुप बनाया वो ग्रुप भी टॉपअप करता जाएगा और आपको काफ़ी पैसे देगा। आपके पहले लेवल से तो आपको 50% आ जाएगा, यानी कि 15 DP आपको आएगा। आप लास्ट वाली लाइन देखिए जो ब्लू कलर में है, आप जैसे सेकंड लेवल से कोई कोरल करेगा तो वहाँ से प्रति व्यक्ति 20 DP आएगा, और ऑनिक से आपको 40 DP आएगा, क्वार्ट से 400 DP, एमेथिस से 2000 DP, टोपास से 4000 DP, और रूबी की बात करें तो 9000 DP, यानी 8000 DP आएगा लगभग। तो ये सभी का सभी पैसा आपको आने वाला है, आपका हर टीम मेंबर यह आपको देने वाला है, जो आपके स्ट्रक्चर चार्ट में आपको यूज़र चार्ट में दिखाई देता है अप टू 7th लेवल। तो ये नीचे से आपको आएगा, शर्त एक ही है कि आपको अपना लेवल भी टॉपअप करके रखना है, वरना ये सब सिस्टम में पब्लिक और जनता जनार्दन के लिए चला जाएगा। आप एक एग्जांपल से समझिए इसको, फास्टैग इनकम को, अगर ये 10 के मैट्रिक्स में चला तो ये कैसा हो जाएगा। हालांकि ये जुमला ही लगेगा आपको, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में आंकड़े ही बोलते हैं जो होते हैं। आप देखिए कि अगर पहले लेवल की बात करें, अगर आप पहले लेवल तक पहुंच पाते हैं, सिर्फ 10 लोगों को जोड़ पाते हैं, तब भी आप 11,200 कमा रहे हैं। अगर आप दूसरे लेवल के लोगों से कमाएंगे और 10 लोगों ने 10-10 लोग बनाए तो 100 हो जाएंगे ये, यहाँ से आपके पास 1.5 लाख रुपए आ सकते हैं। और तीसरे की बात करें तो 37,50,000, और मैं कहता हूँ घिस पिट करके 3 नंबर पे तो हम हमेशा रहेंगे ही। तो आप लोग मेहनत कीजिए, तीसरे लेवल पर भी पहुँचिए, और ये 35-37 लाख रुपए 10 लोगों के गणित से भी कमाने के लिए संभव हैं। इसके आगे की कहानी बहुत बड़ी है, इतने बड़े बड़े आंकड़े हमने पढ़े नहीं है, मैथ्स में भी अपने नहीं हुआ करते थे। अप्रॉक्सीमेटली 9,420 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है, नीचे लिखा हुआ है। आप देखिए कि इसका 10%, 1%, 0.1% आप निकाल लीजिएगा, इतने सारे पैसे आ सकते हैं। लेकिन तीसरे लेवल तक भी अगर आप पहुंचते हैं तो काफ़ी पैसे की आमदनी आप काम करके कमा जाएंगे। सिस्टम जब देगा तब देगा, अगले 2-4 साल में ये पैसे के लिए आप काम करके इस पैसे को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक फॉर्चून वॉलेट भी आया जो कई लोगों को अच्छा लगा, लेकिन पर्ल वालों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि एक ही महीने मिला और उसके बाद बंद कर दिया गया। सिस्टम ने भी देखा कि ये काम करते नहीं है लोग, तो जो काम नहीं करते उनको सिस्टम ने नहीं दिया। तो जितने भी पर्ल हैं उनको 1-1 DP कुछ लोगों को मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। लेकिन कोरल से ऑनवर्ड सिस्टम दे रहा है, 3 महीने से लोगों को दे रहा है, 1.5 DP कोरल वालों को मिल रहा है, ऑनिक्स वालों को 2, क्वार्ट्स वालों को 5, और एमेथिस्ट वालों को 12, और टोपाज वालों को 25, और रूबी वालों को 50 DP। ये लोगों को मिल रहा है और लोगों ने इसको कैश किया है। आप सब भी अपने लेवल को बढ़ाइए, कम से कम 4th लेवल तक आइए, ताकि थोड़ा सा अमाउंट आपको रिस्पेक्टिव मिले। अब आगे बात करते हैं 2020 बोनांजा की। पिछले साल भी कुछ लोग इसमें अच्छे पैसे कमा करके गए, और इस साल भी सिस्टम ने एक पूल लाया। मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए कि अगेट इसमें सबसे पहला पूल है। अगेट करने का मतलब है कि आपको 65 लाख रुपये की पात्रता मिलेगी, और 1500 रुपये से ये सिस्टम अपडेट होता है। 1500 रुपये दीजिए सिस्टम में और आप अपने आप को अगेट बना सकते हैं। 65 लाख रुपये आपके बाद जो भी अगेट करेगा वो आपके लिए किश्तों में देगा। देखिए 300, 1200, 4800, 1900, 2000 ऐसे किश्तें आएंगी, और कई लोगों को 6-6 किश्तें आ चुकी हैं। 3-3 लाख रुपये सिस्टम में लोगों ने कमा लिए हैं जिन्होंने लास्ट ईयर किया था, और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि पहले आने दीजिए फिर देखते हैं। क्या आने देंगे और क्या देखेंगे आप देखिए, बड़े सारे लोग अपने खाते दिखाते बैठते हैं आपको। आप इसमें अमेजोनाइट भी कर लीजिए। अमेजोनाइट में 1,96,00,000 रुपये का ऑटो पूल है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके बाद जो भी अमेजोनाइट करेगा वो आपके लिए फंडिंग करेगा। इसी तरह से आप अंबर कीजिए, 4,91,51,250 रुपये की पात्रता मिलेगी। आपके बाद अंबर करने वाले लोग आपके लिए फंडिंग करेंगे और थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपके पास आएगा।
क्योंकि इसमें 60% पैसा जाता है, इसलिए आपको इसके रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा है और जल्दी है। इसी तरह से बैरिल है, बैरिल में आपको 9,83,00,000 रुपये के आसपास फंडिंग मिलने के चांसेस हैं। अगर आप इसको पहले कर लेते हैं तो आपके बाद आने वाले क्राउड, बाद में आने वाली भीड़ आपको थोड़ा थोड़ा शेयरिंग देगी और 8 किश्तों में ही ये पैसे आने हैं और 9,83,00,000 रुपये आ सकते हैं। सबसे बड़ा इस बार का जैकपॉट था वो था एक्सेलशियर। सभी लोगों ने जिसने भी किया है 10,000 से 15,000 की रेंज में हैं वो लोग, तो 30,00,000 लोगों से जिन लोगों ने अपने आप को 15,000 की भीड़ में शामिल कर लिया है, यकीनन उनके लिए आने वाले दिन अच्छे हैं, अच्छे दिन आएंगे उनके लिए, क्योंकि उनको पैसे यही 30,00,000 लोग देने वाले हैं, यही लोग टॉपअप मारेंगे एक्सेलशियर और यही लोग फंडिंग देंगे। देखिए पहली किस्त मुझे भी आई है 9,000 रुपये की, बहुत लोगों को 36,000 रुपये की दूसरी किस्त भी आई है, कुछ लोगों को 1,44,000 की तीसरी भी आई है, कुछ को 5,76,000 की भी आई है और कुछ लोगों को पांचवी किस्त भी आ चुकी है 23,04,000 की। तो आप यकीन मानिए अगर आप इसमें आज भी आ जाते हैं तो आपका बेनिफिट होगा, सिस्टम में जो भी टॉपअप करेगा वो आपकी डाउनलाइन में ही आएगा, वो आपको पैसे ज़रूर शेयर करेगा। इन सबको अगर आप टोटल करेंगे तो लगभग 37.5 करोड़ रुपये होता है। इसमें टीम परफॉर्मेंस भी आप जान लीजिए, क्योंकि जो लोग टीम बना करके बैठे हैं अगर उनकी टीम के लोग टॉपअप करेंगे तो आप देखिए कि अगेट वालों से 1 DP, अंबर वालों से अमेजोनाइट वालों से 2, अंबर वालों से 5, बैरिल वालों से 10 और एक्सेलशियर वालों से 20 DP आपको प्रति व्यक्ति मिलने वाला है। तो आप अपने आप को टॉपअप भी कीजिए और टॉपअप ज़रूर करवाइए टीम को, ताकि आप भी टीम परफॉर्मेंस 38 DP पर पर्सन आप कमा सकें, तो ये ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास ढेरों पैसे आएँ। तो आज लंबा सेशन हो गया, मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करूँगा, उससे पहले आप इनको खर्चा करने के जुगाड़ के लिए तैयार रहिए। हो सकता है सिस्टम ई वॉलेट हमें दे दे और शॉपिंग करने के लिए भविष्य में शॉपिंग पोर्टल भी दे दे। बैंकिंग विड्रॉल अभी हो रहा है, बाद में आप शॉपिंग करके खर्चा कर डालिएगा अपने पैसे। रेमिटेंस चार्जेस 10% हैं अभी, और नए खाते खोलने के लिए और लेवल को अपग्रेड करने के लिए भी आप इन DPs का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने कीमती समय दिया बने रहने के लिए, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा मैं YouTube पे ज़रूर लोड करूँगा, आप मुझे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।